की मेरी वीडियो बनाने का मकसद यूट्यूब की नई जारी करदा अपडेट से आप लोगों को आगाह करना है। जी, यूट्यूब ने अभी एक अपडेट जारी की है जिसमें एक सख्त किस्म की वार्निंग भी है, और वो वार्निंग उन तमाम यूट्यूब चैनल ओनर्स के लिए है जो अपने आप को यूट्यूब चैनल क्रिएटर कहते हैं। अगर आप अपने चैनल के ऊपर वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो यूट्यूब ने बड़े स्ट्रिक्टली कहा है कि आप इन बातों पे अमल करें, वरना आप अपने चैनल से हाथ धो बैठेंगे। पहली चीज़ यूट्यूब ने कहा है कि आप अपने चैनल पे टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल कर दें। टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या होती है, इसकी आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, मैंने भी एक वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पर उसको देख सकते हैं। व्यूअर्स, टू स्टेप वेरिफिकेशन में एक कोड भेजा जाता है जब भी आप किसी डिवाइस के ऊपर लॉगिन करते हैं, और वो कोड आप अपने एंड्रॉयड या किसी भी डिवाइस के ऊपर आप उसको वेरीफाई करते हैं कि यस, आप इसके ओनर हैं। क्योंकि यूट्यूब के ऊपर लगातार हैकर्स अटैक हो रहे हैं, और यूट्यूब ने यह अनाउंस किया है कि 1 नवंबर 2021 से जिन लोगों ने टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल नहीं की होगी वो अपना चैनल लॉगिन नहीं कर सकेंगे। तो ये एक डेंजरस वार्निंग है, क्योंकि अक्सर लोगों ने YouTube के ऊपर बहुत सारा काम किया हुआ है लेकिन टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल नहीं की हुई। हैकर्स हमेशा इस चांस में रहते हैं कि वो आपका डाटा चुरा लें, तो YouTube आपका चैनल इस हिसाब से बचाना चाहती है। दूसरी बात अच्छी है, और अच्छी इस हवाले से है कि जो लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं उनके लिए समझने में आसानी होगी कि आज से आप टाइम इंस्टेंस भी क्रिएट करना शुरू कर देंगे, और ये अपडेट भी जल्द लागू हो जाएगी। टाइम इंस्टेंट किस तरह होता है कि आप जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो उसके छोटे छोटे इस तरह पार्ट्स नज़र आएंगे, तो व्यूवर्स के लिए आसानी होगी कि वो कौन सा पार्ट देखना चाहते हैं और कौन सा स्किप करना चाहते हैं। तीसरे नंबर पर वो चीज़ है जो अक्सर यूट्यूबर सवाल पूछ रहे होते हैं कि आपने बैकग्राउंड म्यूज़िक कौन से इस्तेमाल की है। व्यूवर्स, यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी का शायद आपको पता हो, आप वहाँ से कोई भी म्यूज़िक डाउनलोड कर सकते हैं। अक्सर वीडियो में इंतहाई अच्छी किस्म की बैकग्राउंड म्यूज़िक इस्तेमाल की जाती है, हर बंदे की कोशिश होती है कि वो म्यूज़िक इस्तेमाल करे, लेकिन म्यूज़िक कॉपीराइट होती है। यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी में कोई भी जो म्यूज़िक पड़ी है वो कॉपीराइट नहीं है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको डाउनलोड कर लें और अपनी वीडियो में इस्तेमाल करें। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये ऑडियो लाइब्रेरी से उठाई गई म्यूज़िक है या उसकी सेल्फ जनरेटेड है, उसने परचेज की है? तो जी, इस मसले का हल यूट्यूब ने निकाला है। अब आप वीडियो जो भी आप ओपन करेंगे उसमें अच्छी म्यूज़िक इस्तेमाल हुई है, तो जैसे मैं तस्वीर में दिखा रहा हूँ, नीचे सॉन्ग और आर्टिस्ट दोनों लिखे हुए होंगे। अगर तो वो यूट्यूब से उठाई होगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये यूट्यूब से उठाई गई म्यूज़िक है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।